किसानों पर कभी मौसम की मार तो कभी फसल की सही कीमत नहीं मिलने का संकट। करे तो क्या करे किसान, ऐसी ही नौबत गुजार के लहसुन की खेती करने वाले किसानों के सामने आई है। दरअसल खुले बाजार के साथ साथ एपीएमसी में लहसुन की कीमतों में तेज गिरावट से परेशान किसान अपनी उपज गरीबों में मुफ्त में बांटने के लिए मजबूर हुए हैं। गुजरात किसान संगठन ने गांधीनगर में 4000 किलोग्राम लहसुन का वितरण करने का फैसला किया है। गुजरात किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रति एकड़ लहसुन की उत्पादन लागत 37,100 रुपए और प्रति एकड़ लहसुन की उपज 3,000 किलो है। आज लहसुन का बाजार भाव 20 रुपए गिर चुका है, जिसकी कीमत सिर्फ 150 रुपए है। किसान को एक एकड़ जमीन पर काटी गई फसल से मुश्किल से 22.5 रुपए की कमाई हो रही है। उनकी शिकायत है कि किसानों को प्रति एकड़ 14,600 रुपए का घाटा हो रहा है। किसानों की लंबे समय से लंबित मांग है कि राज्य और केंद्र सरकार बागवानी फसलों के लिए भी एमएसपी की घोषणा करें। अफसोस की बात है कि जब बाजार की कीमतें गिर रही हैं, तब भी सरकारें मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रही। उनका कहना है कि अगर इस मौसम में किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिलती है तो दिसंबर में खेती तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगी। इससे अगले साल किल्लत पैदा होगी, जिससे अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। राज्य बागवानी निदेशक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में किसानों ने 26,013 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन की खेती की थी और उत्पादन 2,02,828 मीट्रिक टन रहा था। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने राजकोट में मीडिया कर्मियों से कहा है कि चूंकि यह केंद्र सरकार का विषय है, इसलिए वह लहसुन के लिए एमएसपी तय करने के लिए केंद्र के साथ मामला उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।